आप सुन रहे हैं मन कही गुरतेज के साथ। नमस्कार, आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूं जिसका शीर्षक है कॉफी हाउस। लाल रंग की दीवारें, लकड़ी के पुराने टेबल, कांच के काले लैम्प और सफेद रंग के कप, सब कुछ वैसा ही है, कुछ भी तो नहीं बदला। ये कॉफी हाउस वैसे ही है जैसे तब था, बस बदला तो यहां आने वाले लोगों की भीड़, कागज की जगह कंप्यूटर और थोड़ा सा फर्नीचर। ये आज भी पहली और अंतिम मुलाकात का केंद्र है। कितनी ही कहानियां और यादें यहां कण कण में बिखरी पड़ी हैं। न जाने कितनी ही स्मृतियों में ये आज भी बसा हुआ है, बिना थके लगातार, बिना किसी से कोई शिकवा किए। ये निरंतर कितनी ही बातों का गवाह रहा है, वो बातें जो तुम जानती थी या मैं और या बर्तनों और लोगों के शोर के बीच यहां कितनी ही प्यार और विदाई की धुनें बहुत खामोशी और शोर के साथ बजती है। वैसे ये जगह किसी मायाजाल से कम नहीं है। शाम होते होते यहां भीड़ भरे टेबलों पर सिर्फ दो दो लोग ही रह जाते। मध्यम सी रोशनी में चलते कुमार शानू के गीत, कपों में पड़ी ठंडी कॉफी, सब याद होगा तुम्हें भी। पता है, टेबल नंबर 4 हमारा फेवरेट था, क्योंकि वहां से बाहर की भीड़ और सारे कॉफी हाउस का व्यू दिखता था। और इससे भी बड़ी बात, ये कॉर्नर में था। आई थिंक उस रोज शाम 4 बजे का समय था जब मैं पहली बार यहां आया था, और वो मेरे पीछे वाले टेबल पर बैठी ना जाने कहां खोई हुई बाहर की तरफ देख रही थी। यही हमारी मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। जिस दीवार पर तुमने कुरेद कर मेरे नाम का पहला अक्षर लिखा था ना, वो भी धुंधला धुंधला सा वहां पड़ा हुआ है। वैसे तो इसको साउथ इंडियन कैफे के नाम से जाना जाता है, पर लोग अक्सर इसे मजाक से लैला मजनू कॉफी हाउस भी कहते थे। और इस बात का पता हमें भी टाइम बीतने के बाद लगा। ये जगह तब अपना घर सा लगा करती थी, अपना सपनों का संसार जहां कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। यहां दीपक भाई थे जो लोगों को कॉफी सर्व करते थे, उनसे भी फैमिली जैसा प्यार पड़ गया था। हम कब आएंगे, कहां बैठेंगे और क्या ऑर्डर करेंगे, उन्हें सब पता होता था। हमारे मूड के मुताबिक हार्ड या सॉफ्ट कॉफी वो खुद ही बना लेते थे। हमारी फरमाइश पर वो एक बार साजन फिल्म की कैसेट भी भरवा कर लाए थे। आज यहां के पता चला कि दीपक भाई 3 साल पहले वापस झारखंड चले गए हैं। यही वो जगह है जहां कितनी बार डोसा काटकर छोटे छोटे पलों की खुशियां मनाई, टेबल के नीचे से एक दूसरे का हाथ पकड़कर साथ चलने की कसमें खाई, और एक दूसरे से रूठकर यहीं इन कुर्सियों पर अकेले बैठकर शामें बिताई। मेरे लिए घर से तुम जो बनाकर लाती थी, वो भी तो दोपहर के समय यहीं बैठकर खाते थे। आज मन के तार यादों से खुद ही जुड़ते चले जा रहे। जितनी खुशियां यहां मिली उतने ही
आंखें खोल देने वाली कम मीठे की स्ट्रॉन्ग कॉफी जो मुझे बहुत पसंद थी वो मेरे सामने पड़ी, जिसके भाव में कितनी ही बातें, अनछुई यादें तुम्हारी इस हवा में गूंजते हंसी, और मैं सब कुछ छोड़ गया। अब मैं और ये कॉफी दोनों एकदम ठंडे पड़ गए हैं इस कॉफी हाउस में। तो ये थी कहानी कॉफी हाउस। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी कविता, कहानी या बातों के साथ। आपका दोस्त गुरतेज।